मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में 14 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय मैच होने जा रहा है। इस मैच को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज दो बड़ी सौगातें हमारे संभाग को मिल रही हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 14 साल बाद ग्वालियर को मिल रहा है। माधव राव सिंधिया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भव्य रूप से ग्वालियर को सौगात पूर्ण रूप मिल रही है। अपना इतिहास आज ग्वालियर में बनने जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कल उन्होंने स्टेडियम का निरीक्षण किया था, उन्हें पिच भी पसंद आई थी, आउटफील्ड भी अच्छी लग रही है। आज एक रोमांचक मैच का आयोजन किया जाएगा। आज दो बड़ी सौगातें हमारे, एक तो आज पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 14 साल बाद ग्वालियर को मिल रहा है। श्रीमद माधवराव सिंधिया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भव्य रूप का स्टेडियम आज ग्वालियर को सौगात पूर्ण रूप से मिल रही है। स्टेडियम का लोकार्पण और आईपीएल की लीग की तरह मध्य प्रदेश लीग का आयोजन इसी वर्ष किया गया था, पर आज पहली बार ग्वालियर को T20 भी मिल रही है और ये एक अपना एक इतिहास आज बनने जा रहा है। कल मैंने स्टेडियम का निरीक्षण भी किया और विकेट भी अच्छी लग रही है, आउटफील्ड भी अच्छी लग रही है। लगता है एक रोमांचक मैच आज आयोजित किया जाएगा और इसी के साथ जो मेरे पूज्य पिताजी का सपना था ग्वालियर से श्योपुर, जो नैरो गेज हमारी ट्रेन चलती थी वो ब्रॉड गेज में परिवर्तित करने की विचारधारा 2012 में मैंने मुनियप्पा जी को इस योजना को स्वीकृति दी थी। 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीव्र गति से ये योजना चल रही है।